पहले ही दिन में हमें एक सीक्रेट चेस्ट भी मिल चुकी है। गाइस गेस व्हाट, क्या मिला मुझे अभी? मैं ये देखो, पता कितना खोदने के बाद मिला है। तुम बोलोगे कि भाई पहले एपिसोड में डायमंड मिल गया, डायमंड मिल गया। हेलो गेमर्स, क्या हाल चाल, स्वागत है आपका न्यू गेम प्ले सीरीज में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं माइनक्राफ्ट की सर्वाइवल सीरीज, और आज हमारा है पहला दिन हमारी सर्वाइवल सीरीज में। और फटाफट से नाम एक वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं, जिसका नाम होने वाला है सब्सक्राइबर्स। तुम्हारे नाम पे जो है ना, हमने नाम तो रख दिया है वर्ल्ड का, और देखते हैं कि हम कितना क्रिएटिव इस वर्ल्ड को बना पाते हैं और कितनी कितनी चीजें हम इसमें एड ऑन कर पाते हैं। और राइट गाइस, तो हम आ चुके हैं हमारे प्यारे से वर्ल्ड में, और हमें शायद से जंगल के बीच में से छोड़ दिया गया है, पर कोई बात नहीं। अब भाई रास्ता तो यार, वॉरियर को रास्ता ढूंढना ही पड़ता है। तो सारा शायद से हम सही जगह पे हैं, शायद से मेरे को ना सामने शायद से विलेज है एक। ओके, तो सबसे पहले जो है ना, माइनक्राफ्ट का सबसे पहला काम है कि हमें लकड़ियां काटनी है। ये तो थोड़ा बहुत हमें पता ही है कि हमें सबसे पहले जाना होता है वुड एज में, उसके बाद जाना होता है स्टोन एज में, उसके बाद जाना होता है हमें आयरन एज में, यानी कि हमें सबसे पहले तो स्टोन के टूल बनाने होते हैं, उसके बाद हमें आयरन के टूल बनाने होते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि भाई हम गोल्ड तक पहुंच पाए। बाकी अगर डायमंड मिल जाता है तो भाई क्या ही कर सकते हैं, सबसे बढ़िया बात हो जाएगी। और हमें बनानी है आर्मर। आज पहले एपिसोड में हमने आर्मर बना के जाएंगे, तो 5 ब्लॉक मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, तो इनसे मैं सबसे पहले निकालता हूँ प्लैंक्स। सारी की सारी प्लैंक्स हमने निकाल ली हैं, और इससे मैं बना लेता हूँ ग्राफ्टिंग टेबल। तो हमारा बन चुका है, और यहाँ पे भाई हमें थोड़ी बहुत स्टिक्स भी मिल चुकी हैं, और यहाँ से मैं बना लेता हूँ थोड़े बहुत टूल्स। जैसे कि हमें चाहिए होता है एक एक्स। ओके, तो अभी एक्स अगर बनानी होती है तो ऐसे, और हम ऐसे पिकेक्स भी बना सकते हैं। ओके, तो हमें पिकेक्स भी मिल चुकी है, और इससे अगर हम थोड़ी बहुत और स्टिक्स निकाल लेंगे तो थोड़े बहुत टूल्स और अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे कि अभी स्वॉर्ड मिल चुकी है हमें। 3 चीजें ये तो मेन है, ये वाली चीजें तो हमें चाहिए ही चाहिए, बाकी चीजें हमें मिलेगा मिले। एक और पिकेक्स निकाल लेते हैं, ताकि क्योंकि हम माइनिंग पे जाएंगे तो हमें बहुत काम आने वाली है। तो फटाफट से ये मैं अपना क्राफ्टिंग टेबल उठाता हूँ और चलते हैं आगे हम। और भाई वुड्स वगैरह तो और बहुत सारी इकट्ठी करनी पड़ेंगी हमें, तो फटाफट से ना मैं नीचे जंगल में उतरता हूँ और बहुत सारी वुड्स इकट्ठी कर लेता हूँ सबसे पहले। तो ऑलराइट गाइस, तो काफी सारी वुड्स इकट्ठी हो चुकी हैं। अभी हमें चाहिए होगा फूड, जो कि सबसे पहले जो है ना सर्वाइवल सीरीज का सबसे पहला जो है ना मोटिव होता है। हम सबसे पहले चाहिए होते हैं टूल्स, उसके चाहिए होता है फूड। ओके, तो टूल्स वगैरह तो हमने बना लिए हैं, और वुड भी काफी इकट्ठी हो चुकी है। और इसके बाद हमारा जो सेकेंड पार्ट शुरू होता है, उसके बाद हमें चाहिए थोड़ा बहुत फूड, यानी कि हमें चाहिए थोड़ी बहुत पिग या थोड़ी बहुत, ओ भाई नीचे अभी गिर जाता। ओके, तो अभी हमें स्टोन भी मिल चुका है, तो फटाफट से ना थोड़ा बहुत स्टोन, नहीं 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 नहीं, ये है ग्रेवल। ओके, तो ग्रेवल से भी हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे कि हमें फ्लिंट मिल सकता है, और फ्लिंट भी हमारे भाई बहुत काम आने वाला है आगे जाके गेम में। और भाई फ्लिंट और आयरन मिलके हम ना एक ऐसी ज्यादा चिंगारी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे भाई सारे के सारे ज़ॉम्बी जो है ना जल के ही मर जाएंगे, वो हम पे अटैक ही नहीं कर पाएंगे। तो अभी ना फटाफट से थोड़ा बहुत फूड ढूंढते हैं, और हमें ढूंढनी है थोड़ी बहुत स्टोन, जो कि हमें टनल में मिलेगी, और टनल भाई इतनी आसानी से नहीं मिलती है। ओके, तो यहाँ पे एक टनल तो है, पर भाई ये पानी में बनी हुई है। ओके, तो हमें मिल चुका है थोड़ा बहुत कोबल स्टोन, तो सारा का सारा स्टोन कलेक्ट कर लेते हैं। और डाइट गाइस, तो स्टोन भी हमारे पास पूरा एक स्टैक भर के जो है ना हमने लूट लिया है यहां से। और भाई अभी बारी है हमें थोड़ा बहुत फूड इकट्ठा करने की। सबसे पहले ना मैं एक फर्नेस बना लेता हूं, जो कि हमारे बहुत ही काम आने वाली है। ये हमारा क्राफ्टिंग टेबल, और इससे बन जाएगी हमारी फर्नेस। ओके, तो फर्नेस मैंने बना लिया है, और फर्नेस के बाद हमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टोन के टूल्स बनाने। जैसे कि हमारे पास एक स्टोन की ये बन गई। ओके, तो अभी इससे थोड़े बहुत हमें प्लैंक्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि प्लैंक्स के बिना भाई साहब हम ना तो स्टिक बना सकते हैं। ओके, तो स्टिक्स भी बाहर है, बहुत काफी बन चुकी हैं, और अभी हमें बनानी है स्टोन की पिकेक्स। और स्टोन की पिकेक्स हमें 2 निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि गोल्ड जो है वो आयरन की पिकेक्स से होगा, और अगर हमें चाहिए होगा आयरन, आयरन हमारे
स्टोन की पिकेक्स से ही कलेक्ट होगा, उसके अलावा ये किसी चीज से कलेक्ट नहीं होने वाला। इसके लिए हमें चाहिए दो। ओके, तो अभी थोड़े बहुत ना, मैं सबसे पहले तो ना थोड़े बहुत बाइक करता हूँ इकट्ठे स्टिक्स, क्योंकि स्टिक्स की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ने वाली है गेम में। अगर हमें टॉर्च बनानी है फिर भी स्टिक चाहिए, अगर हमें कोई वेपन बनाना है फिर भी स्टिक चाहिए। भाई स्टिक की इतनी ज्यादा जरूरत पड़ती है ना। अब देखो, अगर यहाँ पे हम लगाते हैं ये और इसके ऊपर लगाते हैं हम कोल, कोल भी मेरे को मिल गया था, उससे हमें 12 की 12 हम कैंडल्स बना सकते हैं। तो अभी टॉर्च हमने बना लिया है और फटाफट से ना मैं अपना टिंड फोड़ी उतारता हूँ और यहाँ से हमारी उठाई टिंड फोड़ी और यहाँ से चलते हैं हम, निकलते हैं बस यहाँ से। थोड़ा बहुत फूड भी चाहिए होगा, फूड के अलावा हम ना माइनिंग पे नहीं जा सकते हैं, वो सामने मुझे थोड़ी बहुत। अभी हमारा लेवल 1 हुआ है। ओके, तो हमें मिल चुके। अभी एक ट्रिक बताता हूँ। ओके, ये देखो, अगर हम तुम ऐसे मारोगे, देखो मैं तो ये देखो एक बार, अभी अगर जंप करके इसको मारोगे ना तुम, भाई पहली बार में बेहोश हो जाएगी। ये देखो, ओहो, अरे भाई, उर्फी मैम बिल्कुल, उर्फी मैम एक फोटो। ओके ओके, तो हमें मिला चिकन, चिकन सॉरी, इससे मिला हमें एक वूल। तो फटाफट से ना, दो वूल तो मिल चुके हैं, एक और वूल चाहिए। अरे ये कौन आ गया? पीट बेरीज भाई, ये नुकसान पहुंचाती हैं, ये पता क्या गंदी, इतनी गंदी चीज है ना ये। ओ भाई, लावा अभी से ही मिल गया मेरे को, यहां से मैं नेथर पोर्टल इजीली बना सकता हूँ। ओके, तो यहां से मेरे पास ना अभी चीजें तो हैं, पर हमें भाई यार लावा इतने जल्दी मिलता नहीं है, पर मतलब यहीं के आई। ओके, तो ओ भाई साहब, इतना सारा कोल पड़ा है इधर, फटाफट से ना कोल कलेक्ट कर लेता हूँ। भाई कोल छोड़ना नहीं है, जितना मर्जी कोल जो है ना, जितना कोल कलेक्ट करोगे उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फर्नास में जितना ज्यादा तुम वुड यूज करोगे ना, वुड की उतनी ज्यादा जो है ना तुम्हारे पास कमी पड़ने वाली है। ना तो स्टिक्स होगी ना तुम टूल बना पाओगे, पर अगर तुम कोल यूज करोगे ना तो कोल बहुत तुम्हारे काम आने वाला है। तो फटाफट से ना, सबसे पहले तो हमें चाहिए 3 वूल। हमारे पास 2 वूल्स है, ये मेरे को लग रहा है कि ये डायमंड पिकेक्स के अलावा कलेक्ट नहीं होने वाला है किसी भी चीज से। पर यहाँ पे भाई एक टनल जा रही है जो कि भाई हमारे हमें प्रोटेक्ट करने वाली है आज रात के लिए। पर अगर यहाँ पे हमें एक शीप ही मिल जाती है तो हम उससे, वोल तो मेरे पास है ही ना, तो अभी मैं फटाफट से ना एक बेड बना लेता हूँ और आज की रात हमें यहीं पे बितानी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे बेड बनाते हैं फटाफट से, बेड बनाओ बेड बनाओ बेड बेड। ओके, तो व्हाइट बेड हमने बना लिया है। अगर तुम्हें ना कलरफुल बेड भी चाहिए ना तो कलरफुल बेड भी बना सकते हो तुम। फिलहाल के लिए यहाँ पे बेड लगाते हैं और सो जाते हैं। तो फटाफट से उठते हैं और देखते हैं कि सुबह हमें क्या क्या मिलने वाला है। ओके, गुड मॉर्निंग गाइस, तो हम उठ चुके हैं और हमारा रिस्पॉन पॉइंट हमने सेट तो करा था, पर यहाँ पे यार यहाँ पे ना मेरे को थोड़ा सा काम खतरनाक लग रहा है। ये है वो भाई क्रीपर, क्रीपर को यहां लेके आते हैं और यहां भी इसको फटवा देते हैं। आ जा क्रीपर, फट जा फट जा फट जा फट जा, कुछ तो कलेक्ट करके देगा ये। ओ भाई ये यार, ये वाली जो ये वाली सैंड होती है ना, ये नेदर रैक। ओके, तो नेदर रैक हमें मिल चुका है भाई, पहले ही दिन में हमें एक सीक्रेट चेस्ट भी मिल चुकी है। भाई मैं ना बहुत डरता हूँ मैं लावा से, और लावा को मैं पहले ढक देता हूँ ताकि मैं ये जो सीक्रेट चेस्ट है। ओके, ओ भाई साहब, गोल्डन चेस्ट प्लेट। ओ भाई, क्या यार, ओ भाई फर्स्ट डे में इतना अच्छा जो है ना मेरे को रिस्पांस मिल रहा है। ये भी शायद से हम कलेक्ट कर सकते हैं यार, ये तो कलेक्ट ही नहीं हो रहा। इससे हम बना सकते हैं कुछ। ओके, नेदर रैक से कुछ बना सकते हैं, शायद से कुछ न्यू रेसिपीज ना अनलॉक हुई होंगी। पर यार इससे पूरा का पूरा नेदर पोर्टल बन सकता है। हमारे पास फ्लिंट भी है और यहाँ पे हमें चाहिए पानी। पानी अगर हमें मिल जाएगा ना तो मैं ना फटाफट से एक बकेट बनाता हूँ और यहाँ पे भाई नेदर पोर्टल बनाते हैं। कोई मैं पहला बंदा होने वाला हूँ जो पहले दिन ही नेदर पोर्टल में जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम बकेट बनाते हैं। बकेट की रेसिपी क्या होती है फटाफट से देख लेता हूँ मैं। यहाँ पे बकेट की रेसिपी क्यों नहीं आ रही है? शायद से बकेट के लिए ना कुछ चीजें चाहिए होती होंगी, जो चीजें हमारे पास अभी फिलहाल के लिए नहीं है। तो अभी यहाँ की इसकी लोकेशन मैं याद रखता हूँ ताकि मैं दोबारा यहाँ पे आऊँ ना। तो भाई लोकेशन तो मैंने मार्क कर लिया इसकी, और यहाँ पे भाई नेदर पोर्टल इजिली, बहुत ही ज्यादा इजिली बन सकता है यहाँ पे। तो
अगर मैं इसको चाहूं मेरा फिर भी मैं कलेक्ट नहीं कर सकता, पर अगर मैं माइनिंग स्टार्ट करूं और यहां पे अगर मैं माइनिंग स्टार्ट करता हूं ना, तो भाई मैं इजीली जो है ना बाकी सारे मेटल्स को ना पा पाऊंगा, और यहां पे शायद से सारे के सारे मेटल यानी कि गोल्ड, गोल्ड हो सकता है हमें डायमंड में मिल जाए। ओके, तो हमें कॉपर मिलना भी स्टार्ट हो चुका है, मतलब कि नीचे और भी जो है ना हमें सारे के सारे शायद से मेटल मिल जाएंगे। ओके, तो अभी भाई सबसे ज्यादा जरूरी है कि तुम बस काम करते जाओ, अंजाम की चिंता मत करो, बस निकलते जाओ भाई, मेहनत करते जाओ और नीचे खोदते जाओ, खोदते जाओ, खोदते जाओ, और तुम्हें गोल्ड क्या, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। ओके गाइस, तो हमें एक और चीज मिली है, मैं आपको दिखाता हूं कि भाई मैंने तुम्हें बोला था ना कि बस तुम खोदते जाओ, तुम्हें एक ना एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। ये देखो, तुम खोदते गए और तुम्हें क्या मिला, क्या था ये, किधर गया? अरे कॉपर था, इसके साथ और भी तो कुछ मिला है। अरे यार मेरे पास तो सामान हो, सैंपलिंग मैंने क्या ही करनी है, ये फेंको। ओके, तो हमें आयरन मिल चुका है, और आयरन को ना हम पिघला सकते हैं और उससे बना सकते हैं हमारे आयरन इंगोट। ओके, तो हमारे पास कोल है ना, कोल बहुत सारा इकट्ठा करके लेके आया था मैं। कोल से हमें ना फटाफट से आयरन के सारे टूल बनाने पड़ेंगे, ताकि अगर हम आगे जाके हमें कोई और मेटल भी मिलता है ना, तो उससे हम सारे के सारे, ये देखो हमारे पास आयरन इंगोट आ गया। अभी मैं लगाता हूँ यहीं पे हमारा क्राफ्टिंग टेबल, और मैं क्राफ्टिंग टेबल से सारी चीजें बना सकता हूँ। स्टोन पिकेक्स है, तो वैसे ही ना हम आयरन का भी सामान बना सकते हैं, जैसे आयरन पिकेक्स है, ये हमें बहुत जरूरी चाहिए होगी, और हमें उसके लिए 2 स्टिक्स चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। ओके, तो स्टिक्स हमारे पास आ चुकी हैं, 8 स्टिक आ चुकी हैं हमारे पास ना एक। ओके, तो ये हम ना बना अपने चेस्ट प्लेट जो है ना हम पहन लेते हैं। कहाँ पे पहनते हैं? अच्छा हो भाई साहब, करेक्टर दिखाता हूँ कितना अच्छा लग रहा है हमारा। ओ भाई चुन्नू मुन्नू लग रहा है गोल्ड की पहन के, भाई पूरी की पूरी वो कर रहा है, चौड़ में है बंदा हमारा। ओके, तो हमने सारे के सारे आयरन इंगोट निकाल लिए हैं, और फटाफट से ना मैं अपनी फरनास को उठा लेता हूँ यहाँ से, और हम आगे माइनिंग करने के लिए चलते हैं। गाइस गेस व्हाट, क्या मिला मुझे अभी, मैं ये देखो पता कितना खोदने के बाद मिला है। तुम बोलोगे कि भाई पहले एपिसोड में डायमंड मिल गया, डायमंड मिल गया, ये देखो यहां से इतना खोदा, और भाई नीचे ऊपर ऊपर का मैं अभी देखा नहीं ना तुमने, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ओ भाई यहां से इसके ऊपर लावा पूल है क्या? अगर मैं यहां से और खोदता भाई, लावा पूल सीधा मेरे मुंह पे था, और यहां पे देखो तुम खोदा पता कितना है, ये देखो ऊपर से मैं नीचे आया और यहाँ के मेरे को मिला मेरा प्यारा डायमंड, डायमंड 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 डायमंड। हाँ भाई साहब, डायमंड की तो खुशी अलग है यार, खुशी अलग है, एक डायमंड मिला। ओ भाई भाई इसके लिए तो मैं कुछ भी फेंक दूंगा, कुछ भी फेंक दूंगा, मैं पता है तो मैं क्या फेंकूंगा इसके लिए मैं। ओके, इसके लिए फेंकूंगा डर्ट, डर्ट फेंक देते हैं, डर्ट मेरे पास है ऑलरेडी, डायराइट, वुडन एक्स, वुडन एक्स तो खत्म ही होने वाली है, पर भाई इसके लिए कुछ मुझे ऐसा फेंकना पड़ेगा जिसकी मेरे को आगे चल के बिल्कुल, भाई ग्रेनाइट बहुत है हमारे पास, डर्ट कितनी है, डर्ट कितनी है, 7, 9 डर्ट है, डर्ट फेंक देते हैं भाई। अरे कलेक्ट क्यों नहीं हुआ अभी तक कॉबल्स, ये इसको इकट्ठा कर देते हैं। तीन डायमंड मिले जुग्गे में, कितने मिले, 2 डायमंड मिले, सिर्फ 2 डायमंड, 2 डायमंड भी बहुत बड़ी बात है यार पहले एपिसोड में। भाई ऊपर कुछ है, मेरे को कुछ गलत सा दिखा, पर कुछ है क्या गलत? ओ डायमंड है, डायमंड तो यार चाहिए चाहिए, डायमंड तो हमें बहुत सारे चाहिए, जितने मिल जाए उतने ही कम है डायमंड तो। और अगर मैं यहीं पे ना एक चेस्ट बना लेता हूँ, ठीक है, चेस्ट में मैं सारा सामान रख दूंगा अपना, उसके बाद मैं मरूं कुछ हो मेरे को कुछ मालूम ही नहीं है। चेस्ट बनाने के लिए हमें चाहिए बहुत सारे प्लैंक्स, इसके लिए हमें और प्लैंक्स इकट्ठे करने पड़ेंगे। चेस्ट बना लेता हूँ, अगर मैं मर भी गया ना आगे जाके, तो भाई चेस्ट में मेरे कम से कम डायमंड तो सेफ रहेंगे, डायमंड तो मैं आके ले ही लूंगा ना उसके बाद। डायमंड की तो बरसात हो रही है आज,
और डैड गाइस, तो हम बाहर आ चुके हैं क्योंकि हमने माइनिंग इतनी ज्यादा कर ली थी ना भाई, मैं बहुत ही ज्यादा मुश्किल से बाहर आया हूँ। और गेस व्हाट, हमें ये सारा का सारा सामान मिला है, 11 हमें रॉ गोल्ड मिला है और भाई सब आयरन तो भाई भर भर के मिला है वहां से, और हमें लापिस लूसली मिली है। हम इसके बाद विलेज में जाने वाले हैं और भाई पहले ही एपिसोड में हमने 13 डायमंड्स इकट्ठे किए हैं जिससे हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। जैसे देखो, एक आयरन डायमंड की ये चेस्ट प्लेट बनाने के लिए 3 और 3 तो 5, 5 दिन 8 ये चले जाएंगे और हमारे डायमंड की चेस्ट प्लेट बन जाएगी इससे। और हमारे डायमंड लेगिंग्स बनाने के लिए हमें 3 और 3, 6 और 7, ठीक है, तो हमें एक दो डायमंड्स और चाहिए होंगे और हमारा सारा का सारा सूट तैयार हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए हम गोल्ड का सामान जो है ना यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं ताकि हम गोल्ड के सामान से ना यार सारी चीजें हम बना सकते हैं। जैसे कि हमें अगर हमें चेस्ट हमारी हमारे पास ऑलरेडी क्या है, हमारे पास चेस्ट प्लेट तो है, हम गोल्ड का गोल्ड की पैंट्स बना सकते हैं, गोल्ड के शूज बना सकते हैं। तो देखते हैं भाई गोल्ड का हम क्या क्या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इससे। अभी अच्छा, अभी हमारे पास रो गोल्ड है ना, तो अभी हमें पहले तो इसको पिघलाना पड़ेगा। तो फटाफट से यहाँ पे ना मैं फर्नास रख लेता हूँ और यहाँ पे ना भाई रो गोल्ड रख देता हूँ ताकि मैं इसको पिघला पाऊँ और उसके बाद भाई हमारा बढ़िया से ना हमें मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास अभी फिलहाल के लिए कोल सारा खत्म हो चुका है। और फिर से ये पिघला लेते हैं और भाई गोल्ड की सारी चीज़ें हम बना लेते हैं। अपने गोल्ड के इंगोट यहाँ से हमारे काफ़ी सारे निकल आएंगे और भाई हमें गोल्ड की पिकेक्स हेलमेट बनाने के लिए 3, 3 और 2, 5 चाहिए। तो अभी फिलहाल के लिए हमारे पास 2 तो इकट्ठे हो चुके हैं, फटाफट से यहाँ से निकलेंगे और हमें भाई 5 तो इजीली मिल जाएंगे। हमारे पास चेस्ट प्लेट ऑलरेडी है, ओके, शूज तो हमने पहना दिए इसको हमारे बंदे को, और यहाँ से हमें मिल जाएंगे 7 गोल्ड इंगोट मिलने वाले हैं। ऑलराइट गाइस, तो हमारा पहला एपिसोड यहीं पे एंड होता है कि जैसे कि मैंने बोला था कि हम डायमंड की कोशिश करेंगे, पर गोल्ड का भाई हमने सारा का सारा आर्मर वगैरह बना लिया है। तो नेक्स्ट एपिसोड में ना हम बनाने वाले हैं हमारे फार्म्स जिसमें हम भाई साहब बहुत सारी खेती करने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना और बेल आइकन भी दबा के जाना ताकि सेकेंड एपिसोड आपको फटाफट से दिख जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।